थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। फर्स्टली वी स्टडी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड व्हाई इज देयर नीड टू स्टडी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड देन टू स्टडी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। लेट अस अंडरस्टैंड इट यूजिंग अ डेली लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन हमारे पास एक फुटबॉल है जिसको मैंने फर्श पे पटका, तो वह फर्श के किस पॉइंट पे टच किया यह बताने के लिए हमें टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वहां हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन किया। एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। पर जब हम फुटबॉल को पटकेंगे तो वह रिबाउंड होगा और रिबाउंड होकर के ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठने के क्रम में किसी इंस्टेंट उसका क्या पोजीशन है, यानी अब यहाँ एक और डायमेंशन इंक्लूड हो गया जो हमें हाइट बताएगा। इसके लिए एक थर्ड एक्सिस की ज़रूरत पड़ी और वह थर्ड एक्सिस हुआ जेड एक्सिस। अब हम फुटबॉल के पोजीशन को बताने के लिए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का यूज करेंगे जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ जेड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग जेड एक्सिस। प्रीवियस क्लास में हम स्पेस के टू पॉइंट्स के बीच से डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। अगर दो पॉइंट्स हैं एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू, तो उनके बीच डिस्टेंस होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। हमने सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला में था कि अगर किन्हीं दो स्पेस के पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट एम इज टू एन रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एन जेड वन बाई एम प्लस एन। वहीं यदि यह डिवीजन एक्सटर्नल होगा तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट्स होगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन, एम जेड टू माइनस एन जेड वन बाई एम माइनस एन। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन व्हिच विल बी द सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर इन वेक्टर अलजेब्रा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन ए स्पेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, प्लेन, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। वी हैव स्टडीड डायरेक्शन एंगल्स। फॉर अ पोजिशन वेक्टर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन
डायरेक्शन एंगल्स आर डिनोटेड बाय अल्फा बीटा एंड गामा व्हिच आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. बीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन ओ पी विथ द पॉजिटिव y axis and the cosines of these angles alpha beta and gamma are known as direction cosines. That is cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines of the line and it is are denoted by l, m and n respectively. We also know that the relation among L, M and N is L square plus M square plus N square is equal to 1. Suppose we have a line L. Whose direction cosines are to be found. We see that this line is not passing through the origin. So, the way to find its direction cosines is we have to draw a line parallel to this line passing through the origin. Now we can find alpha beta and gamma for this position vector OP and these are same for this given line. So whatever direction cosines are there for this line OP, the same will be for this line L because they are two parallel lines and if we draw a transversal for them, corresponding angles are equal. That's why alpha, beta and gamma for this line will be the same as for this position vector OP. We know direction cosines are L, M and N and they are cos alpha, cos beta and cos gamma respectively. We also know that relation among L, M and N is L square plus M square plus N square is equal to 1. We have established in earlier chapter. Now let us note direction ratios. Any three numbers which are proportional to the direction cosines of the line, that is three numbers A, B and C are said to be direction ratios of a line if L by A is equal to M by B is equal to N by C is equal to K. ABC are proportional with direction cosines. This implies that L by A is equal to M by B is equal to N by C is equal to K. Say from here we have L is equal to AK
एम इजकल टू बी के एंड एन इजकल टू सी के. वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू वन. दिस इंप्लाय दैट ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इजकल टू वन. सो के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू वन. दिस इंप्लाइज दैट के स्क्वायर इजकल टू वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. देयर फॉर एल इज इक्वल टू ए के सो प्लस माइनस ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एम इज इक्वल टू बी के सो प्लस माइनस बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एंड एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. Here we can take either positive value of k or negative value of k, and accordingly we get the positive or negative values of l, m and n. Let us note direction cosines of a line passing through two points. Suppose we have two points p x1 y1 z1 QX2Y2Z2. PQ is a line passing through these two points. We have to find the direction cosines of this line. So we need to draw perpendicular on XY plane from P and Q respectively. Again, we have to draw PN perpendicular to QS. Now, we draw here, we produce it as it is, as this line. Suppose this is M. As P is here, this point is P. This is M. As you can say, PM is parallel to Z-axis. So this line makes gamma with Z-axis. So the same will be made here. And you can say this line is parallel to this one. This is a transversal. So this angle will be also gamma, right? So in right triangle, P and Q cos gamma is base by height, base by hypotenuse. So for this gamma, base is QN and hypotenuse is PQ. And this is QN is the distance, the difference of the distance along Z axis. So Z2 minus Z1. Right? If you want to write the coordinates of N, then you must write X2, Y2, Z1, because n is at the same level, n is at the same level
एज पी. सो द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ एन विल बी द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पी. सो द डिफरेंस, सो द क्यू एन इज द डिफरेंस ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स, सॉरी डिफरेंस ऑफ द जेड कोऑर्डिनेट्स. सो क्यू एन इज जेड टू माइनस जेड वन एंड कॉस गामा इज जेड टू माइनस जेड वन बाई पी क्यू. सिमिलरली वी कैन शो दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन बाई पी क्यू एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई पी क्यू वेयर पी क्यू विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड इट विल बी ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर. हियर वी हैव कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, कॉस बीटा इज इक्वल टू दिस वन एंड कॉस गामा इज इक्वल टू दिस वन. So we can take direction ratios as x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 because x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 are proportional with cos alpha, cos beta and cos gamma respectively because you can write x2 minus x1 by cos alpha is equal to PQ which is equal to y2 minus y1 by cos beta which is equal to z2 minus z1 by cos gamma. Let us do some practice. So first question is now for y axis alpha is equal to angle made by the y-axis with x-axis 90 degree which is equal to gamma and beta is equal to 0 degree. Therefore, direction cosines of y-axis are cos 90 degree, cos 0 degree and cos 90 degree, cos gamma which is 0, cos 90 degree is 0. For z axis alpha is equal to beta is equal to 90 degree and gamma is equal to 0 degree. Therefore direction cosines of z axis are cos 90 degree 0, cos 90 degree 0 and cos 0 degree 1. If a line has direction ratios 2, minus 1, minus 2, determine its direction cosines. We know that if direction ratios are A, B and C, then direction cosines will be A by a square root of A square plus b square plus c square, b by a square root of a square plus b square plus c square, and c by a square root of a square plus b square plus c square. That is, we have here 4 plus 1, 5, 5 plus 4, 9. So square root of 9 is 3. So 2 by 3 minus 1 by 3 and minus 2 by 3. Find the direction cosines of the line passing through the two points minus 2, 4, minus 5 and 1, 2, 3. We have known the formula that we have to find the distance between the two points. So let P is equal to minus 2, 4, minus 5 and Q is equal to 1, 2, 3. Therefore, PQ is equal to, using distance formula, we have minus 2, minus 1, that is minus 3 whole square, 4, minus 2, 2 square, minus 5, minus 3, minus 8 square. So, we have 9 plus 4,
थर्टीन, थर्टीन प्लस 64 77. So this is PQ, and we know that this is x1, y1, z1, this is x2, y2, z2. Therefore, the direction cosines are, we have already studied it, the formula. We know that this will be x2 minus x1. So 1 minus minus 2, so 3 by PQ. Y2 minus y1, so 2 minus 4 by PQ. Z2 minus z1, so 3 minus minus 5 is 8, 8 by. So that the points A, 2, 3, 4, B, 1 minus 2, 3 and C, 3, 8 minus 11 are collinear. So we have 1A to use distance formula. We find AB, BC and AC, and we show that AC or longer distance is the sum of smaller distances, then it will be proved. Second way is if we show that their direction cosines are proportional. If direction cosines are proportional, it means that lines are parallel, and if lines are parallel, then the points are collinear. If lines are parallel and one point is common, then so here the way to show it collinear will be we find direction ratios. So direction ratios of AB, we know that we will take the difference. So 1 minus 2 minus 1, minus 2 minus 3 minus 5, 3 minus 4 minus 1, and direction ratios of BC, 3 minus 1 2, 8 minus minus 2 is 10, minus 11 minus 3 is 14. Here we have direction ratios of AB. Here it is written minus 4 in the question, so it is minus 7. So we have, we see that direction ratios are proportional. Clearly the direction ratios of AB and BC are, because minus 1 by 2 is minus 1 by 2, minus 5 by 10 is minus 1 by 2, minus 7 by, here we have plus 4, 7, sorry. 3 minus minus 4 is plus 7. 7 by minus 14 is minus 1 by 2. So we have the ratio constant which is equal to minus by 2, hence the direction ratios of AB and BC are proportional. It means that the direction cosines are proportional, and whenever the direction cosines are proportional, lines become parallel. And when line becomes parallel and one point is common and B is common in both lines, so the points A, B and C are collinear.